देखिए गाइस, हम आलू के लच्छेदार भजिए बना रहे हैं। आप तो ऐसे नॉर्मली जो आलू के हम भजिए बनाते हैं, लेकिन ये हम लच्छेदार बना रहे हैं। इसके अंदर हमने देखिए आलू को हमने लच्छेदार काट के धो के अच्छे से सुखा के रख दिए थे। इसके अंदर हमने ज़ीरा ऐड कर दिए हैं और हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल दिए हैं। अब कोथमीर हम इसके अंदर बारीक करके डाल देंगे। ये हो गया। और हम इसके अंदर थोड़ा सा सोडा लेंगे ताकि हमारी भजी अच्छे से फूल जाए। ये हो गया। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है आपको, ज़्यादा नमक नहीं लेना है। ये हो गया। और हम थोड़ा सा बेसन मिक्स करेंगे, बेसन ज़्यादा नहीं लेना है, बेसन लगभग एक चम्मच ही लेना है बस। खाली हमें ये बाइंड करने के लिए चाहिए, यानी थोड़ा मिलाने के लिए ही चाहिए हमें। ये हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं बेसन, उसको हम अच्छे से मिला देंगे। देखिए थोड़ा सा हम और बेसन के अंदर मिलाएंगे ताकि हमारा ये जो लच्छा पकौड़ा है ये तेल में जाने के बाद टूटे ना। अंदर हम थोड़ा हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ा टेस्ट उसका और अच्छे से आ जाए। आप चाहे तो उसके अंदर पालक भी काट के डाल सकते हैं। ये हम थोड़ा सा और बेसन ले लेते हैं। देखिए हमने मिला दिए हैं। अब हम उसका थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे तेल में। तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया था, गर्म होने के लिए रख दिए थे। हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ये भजिए डालते जाएंगे। इसको ऐसे ही डालना है, इसको दबाना भी नहीं है और ना ही गोल करना है। जैसा है वैसे इसको डालते जाना है। इसको अच्छा क्रिस्पी होने तक ही फ्राई करना है। इस तरह से हम प्याज के पकौड़े करते हैं। आप चाहे तो उसके अंदर हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें नेचुरली येलो कलर चाहिए। हल्दी से थोड़ा रेड पन आ जाता है। अब हम उसको आगे फ्राई करके आपको बताते हैं कि हमारा ये लच्छेदार पकौड़ा कैसे बना है। देखिए गाइस, ये हमारे पटाटे के जो हमारे जो पकौड़े थे हमारे बनकर रेडी हो गए, जो कि बनाने में बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी थी और जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप भी एक बार बनाकर देखिएगा, ये नए तरीके की भजिए की रेसिपी है। और प्लीज़ अपने घर पे भी एक बार अफ्तारी में ट्राई करके देखिएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।